आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड क्लासिक स्नीकर्स आइडास स्टैन स्मिथ। दिस इज मी अर्जुन चावला एंड अगर आपको स्नीकर पसंद है तो आप सही जगह हैं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, इस बार एज आई प्रॉमिस्ड मैं एक रैंडम कमेंट सेलेक्ट करके टूज रिव्यू करूँगा एंड दिस वॉज काइंड ऑफ आस्क्ड बाय ध्रुव सिंह एंड आई होप यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डू कमेंट ताकि मुझे पता लग सके कि आपके तक वीडियो पहुंच गई है एंड इट वॉज हेल्पफुल और नॉट। एंड बाकी लोग प्लीज डू नॉट हेजिटेट, बाकी जो कमेंट्स किए हैं थैंक यू सो मच गाइज, मैं वो भी रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। अभी बात करते हैं आइडास स्टैन स्मिथ के बारे में। ओके, है तो ये बहुत सिंपल और स्लीक डिजाइन बट ये आइकॉनिक क्यों है। दिस वॉज द फर्स्ट लेदर टेनिस शूज। पहले इसका नाम आइडास स्टैन स्मिथ नहीं था क्योंकि स्टैन स्मिथ वॉज नॉट इंडोर्सिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम जिसने इंडोर्स किया था ही वॉज अ फ्रेंच प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रॉबर्ट हेलेट एंड इट वॉज नोन एज आइडास रॉबर्ट हेलेट फॉर ऑब्वियस रीजन्स। गेस यही नाम है, मतलब प्रोनंसिएशन यही हो आई होप। इट वॉज रिलीज इन अर्ली 1960s। उसके बाद व्हेन रॉबर्ट हेलेट रिटायर्ड तो आइडास वॉज फाइंडिंग समवन एल्स टू इंडोर्स द शू। उस वक्त बिगेस्ट टेनिस एजेंट सजेस्टेड द अमेरिकन टेनिस प्लेयर स्टैन स्मिथ एंड आगे का आपको पता ही है। काफ़ी आइकॉनिक इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है एंड बहुत ही वर्सिटाइल शू है। सो काफ़ी डिज़ाइनर ब्रांड्स वगैरह और सब जगह पे भी ये पहनना शुरू हो गए। तो बात करते हैं इसके अपर के बारे में। ओके, अपर जो आप देखोगे वो फुल लेदर अपर है एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। काफ़ी मिनिमल डिटेल्स है, ज़्यादा डिटेल्स है नहीं इसमें। जो थ्री स्ट्राइप्स हैं वो इसमें आपको नहीं दिखेंगे, उसकी जगह आपको तीन लाइन पे परफोरेशंस दिख जाएगी विच मेक्स इट रियली ब्रीदेबल, काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स द थ्री स्ट्राइप्स। जो पैडिंग है इसमें सॉक लाइनर में वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी सही रहेंगे अगर आप ये पहनेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। तो जो सॉलिड कलर है वो आपको हील टैप में मिल जाएगा और उस पर आपको ट्रिफॉयल लोगो और स्टैन स्मिथ लिखा हुआ दिख जाएगा और टंग में आपको आइडास की ब्रांडिंग दिख जाएगी, स्टैन स्मिथ का स्केच दिख जाएगा और स्टैन स्मिथ लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको टंग भी है जो लेदर टंग मिलेगा और जो लेसेस हैं वो फ्लैट वाइट लेसेस मिलेंगे। तो ये था अपर के बारे में। अब चलते हैं मिडसोल पे। तो जो मिडसोल है वो रबर मिडसोल है एंड वो टेक्सचर्ड है और जो आउटसोल है आपको उस पर पिम्पल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दिख जाएगी जो कि आइडास स्टैन स्मिथ की है, तो बीच में आइडास की ब्रांडिंग दिख जाएगी। तो ये तो था डिटेल्स के बारे में। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो जो मेरा ओपिनियन है, आई रियली एब्सोल्युटली लव दिस शू। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद स्टैन स्मिथ फॉर श्योर। इट्स अ रियली वर्सेटाइल शू, आप किसी भी चीज़ के साथ पहनोगे इट विल लुक गुड एंड काफ़ी स्लीक डिज़ाइन एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। एक बार ही पहन के देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। देख लिए होंगे एंड इट्स अ वर्सेटाइल शू, नो ब्रेनर। काफ़ी कंफर्टेबल भी थे एंड जो सॉक लाइनर है, जो पैडिंग है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब चलते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है इसका प्राइस। तो प्राइस जो मुझे इसका मिला था वो 6000 था और मैंने मंगाए थे मिंत्रा से एंड माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड एट ऑल।
यूजुअली मेरा मिंत्रा से काफ़ी सही एक्सपीरियंस होता है शू वाइज में, शूज़ की क्वालिटी और शूज़ काफ़ी अच्छे कंडीशन में मिलते हैं, इवन दो बॉक्स डिस्ट्रॉयड होता ही है मिंत्रा का, ये तो गिवन है। मैंने बहुत ही कम मेरे को बॉक्स सही मिला होगा मिंत्रा से, बट डील्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट आई वुड सजेस्ट एडिडास ट्रांसमिट के लिए आप एडिडास के साइट से ही खरीदो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो मुझे लगता है मल्टीपल डीलर्स या कुछ उससे मंगाए हुए हैं। स्टैन स्मिथ आप एडिडास से ही मंगाए सीधा। तो सजेस्ट करूँगा कि अगर इसका प्राइस आपको 3,000 to 4,000 में मिले, आई थिंक ये प्राइस इसके लिए वर्थ इट है। इससे ज़्यादा आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव, तो मैं इतने नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप खर्च करो फॉर दिस शू। ईजिली 5,000 and 6,000 आप किसी और शू के लिए कर सकते हो। दिस इज़ अ रियली सिंपल शू, आई नो द लेदर क्वालिटी इज़ गुड, बट आई थिंक 3,000 to 4,000 इज अ जस्टिफाइड प्राइस फॉर दिस। तो अगर आपको सेल पे इतने के मिले, डू गो फॉर इट। अगर नहीं मिले तो आई वुड सजेस्ट यू टू वेट ताकि वो इतने प्राइस पे आ जाए, एंड देन यू कैन गेट इट। जो साइजिंग है, साइजिंग मुझे इसकी ट्रू टू साइज आई है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।